नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। आज की रेसिपी है मसाला डोसा। आप हमारे तरीके से बनाइए मसाला डोसा। ये एकदम नया तरीका है और घर पे बनाने में एकदम आसान है। इसका टेस्ट भी रेस्टोरेंट वाले डोसों को फेल कर देगा। सबसे पहले हमने आधा छोटी कटोरी चना दाल लिया और एक छोटी कटोरी धुली उड़द दाल। इन दोनों को हमने एक भगोने में ले लिया और उसमें दो छोटे कटोरी चावल डाल देंगे। अब हम इसे रात भर भिगोने के लिए रख देंगे। अब इसे रात भर हमने रखा था, उसे हम अच्छे से धो लेंगे एक बार, फिर उसे मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब उसमें हम छाछ मिलाएंगे थोड़ा सा, ताकि एक फाइन पेस्ट ये बनकर तैयार हो जाए। इसमें हमने हर चीज़ का नाप भी अलग लिया है, इसलिए आपको ये डिश एकदम नए तरीके से बनाना सीख जाएंगे आप। अब इसको हम पेस्ट बन गया था, उसको 6-7 घंटे अलग रख देंगे। ये हमने उबले हुए 3 आलू लिए थे, इन्हें हम मैश कर लेंगे। अब एक पैन में हमने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया, इसमें हमने 1/2 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच राई डालकर पका देंगे और इसमें अब एक चुटकी हींग मिला देंगे। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डाल दीजिए और थोड़े से कड़ी पत्ता। ये हम आलू का मसाला तैयार कर रहे हैं, जो स्टफिंग में काम आएगा। अब इसमें 1/4 चम्मच हल्दी डालिए और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। प्याज को अच्छे से पकने दीजिए। इसमें आप 1/4 चम्मच गरम मसाला भी मिला लीजिए। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। आप हरी मिर्च अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कितना डालना है आपको। इसमें आप नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। अब जो हमने 3 आलू उबाल के रखे थे और मैश कर लिए थे, उसे इसमें मिला देंगे। इसे थोड़े देर तक अच्छे से पका लीजिए। सब मसालों को एक साथ मिला लीजिए और ये आपकी स्टफिंग तैयार हो गई है। फिर आप स्टोव को बंद कर दीजिए। सांभर की तैयारी करेंगे। सांभर बनाने के लिए हमने ये अरहर दाल, जो डेली घर पर बनती है नॉर्मली, उसे बना लिया है। एक कढ़ाई में हमने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब इसमें 1/4 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच राई मिला दीजिए। 2 चुटकियाँ हींग की भी डालिए इसमें और एक मीडियम साइज बारीक कटा हुआ प्याज इसमें डाल दीजिए। अब इसमें 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी मिला लेंगे। अब इसमें एक मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। अब अच्छे से टमाटर और प्याज को पकने दीजिए। इसमें हमने अब 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल दिया। और थोड़ी सी कड़ी पत्ता। अब इसमें 1 चम्मच चिली सॉस और 2 चम्मच टमेटो सॉस का मिला लेंगे।
अब जो हमने दाल तैयार करके रखी थी उसे इसमें डाल दीजिए। इसमें एक उबाल आने के बाद 5 मिनट तक कम आंच पर पकाइए। इसमें आप चख सकते हैं कि नमक सही है कि नहीं और बाकी मसाले, और फिर फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। ये डोसा बैटर जो हमने रखा था इसे 5 मिनट तक हम फेंट लेंगे। 5-6 घंटे बाद ये देखिए इस तरीके से ये हो चुका है। इसमें आप थोड़ा सा नमक मिला लीजिए। अब जो तवा हम लेंगे डोसा बनाने के लिए उसको ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए उसमें थोड़ा पानी छीट के देखेंगे, पानी छीट देंगे और फिर उसे पोंछ लेंगे किचन टॉवल से। साफ़ टॉवल लीजिएगा और इसमें तेल हम फैला लेंगे आधे कटे प्याज की मदद से, और फिर हम इसे उसी कपड़े से साफ़ कर लेंगे। अब हमने डोसा बैटर को इसमें थोड़ा सा डाला और उसे इस तरीके से फैला लिया बराबर। अब इसमें एक छोटा चम्मच तेल मिला लीजिए, एक चम्मच तेल चारों तरफ से डोसा के। इसके नीचे वाले भाग को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये हल्का भूरा ना नज़र आने लगे। इसे 2 मिनट तक पकाने के बाद दूसरी तरफ से पकाएंगे। इसीलिए अब इसे पलट देंगे। दोनों तरफ से पकाने के बाद आपका डोसा एकदम क्रिस्पी तैयार हो जाएगा। इसका टेस्ट एकदम लाजवाब आने वाला है। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर रहे थे जो, उसे हम सेंटर में इस तरीके से लगा देंगे और दोनों तरफ से मोड़ने के बाद इसे गर्मा गर्म सांभर और फल्ली की चटनी के साथ सर्व कीजिए। इस तरीके से आप परफेक्ट मसाला डोसा घर पर बनाइए। ये साउथ इंडियन डिश जो रेस्टोरेंट्स में मिलती है आप इस तरीके से आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये एकदम क्रिस्पी मसाला डोसाज आप हमेशा खाना पसंद करेंगे, इतने स्वादिष्ट है ये। इसे बनाना भी घर पे एकदम आसान है। ये खाने में सचमुच बहुत अच्छा लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने रिव्यूज़ हमें कमेंट्स में भेजिएगा। आगे हम इस फल्ली की चटनी को भी बनाना सिखाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को देखा। इसे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने इसे अभी तक नहीं किया है। हैप्पी कुकिंग एवरीवन।